हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स का लीगलाइजेशन कैसे कराना है और एग्जैक्टली ये लीगलाइजेशन होता क्या है और कितने टाइप का होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अब इटालियन यूनिवर्सिटीज़ ने ऑफ़र लेटर देना स्टार्ट कर दिए हैं, तो अब आपका जो नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप है वो है लीगलाइजेशन। तो इटली में जब भी आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करते हैं या स्टडी वीज़ा के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो हमारे दो टाइप के लीगलाइजेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज़ HRD एंड सेकेंड वन इज़ अपोस्टाइल। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये जो लीगलाइजेशन होते हैं ये थ्री स्टेप्स में होते हैं। फर्स्ट वन इज़ यूनिवर्सिटी लेवल, सेकेंड वन इज़ स्टेट लेवल एंड थर्ड वन इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल। तो चलिए अब बात करते हैं पहले और दूसरे लेवल के लीगलाइजेशन, मतलब यूनिवर्सिटी लेवल और स्टेट गवर्नमेंट लेवल के लीगलाइजेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जहाँ से भी अपना हायर एजुकेशन कम्प्लीट किया है, जैसे कि अगर आपने 12th किया है सपोज दिल्ली से, तो आपको दिल्ली के स्टेट सेक्रेटेरिएट ऑफिस में जाकर के HRD डिपार्टमेंट में अपना ये लीगलाइजेशन कराना होता है। सेम आपके अगर आपने बैचलर्स किया है, तो जिस भी स्टेट में आपने बैचलर्स किया है या अपना 12th कंप्लीट किया है, वहाँ के सेक्रेटेरिएट ऑफिस में आपको HRD के लिए एप्लीकेशन सबमिट करना होता है। HRD के लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपने अपना ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी से रिसीव कर लिया है। आपको यहाँ पर क्या करना होता है, एक एप्लीकेशन देना होता है HRD के लिए, प्लस आपने जो आपका प्रीवियस हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे अगर आपने 12th किया है तो 12th की मार्कशीट, अगर आपने बैचलर्स किया है तो बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट्स और बैचलर्स की डिग्री। अगर आपको अभी रिसेंटली आप ग्रेजुएट हैं, आपको डिग्री नहीं मिली है, तो उस केस में फिर आप अपना प्रोविजनल डिग्री डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहता है कि HRD ऑफिस से आपके यूनिवर्सिटी या आपके इंस्टीट्यूशंस पे आपके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन से रिलेटेड क्वेरी जाती है। फिर जब यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन आपका वेरिफिकेशन अप्रूव कर देता है कि येस, दीज डॉक्यूमेंट्स आर सक्सेसफुली वेरीफाइड एंड दीज डॉक्यूमेंट्स आर लीगल डॉक्यूमेंट्स, तब आपको जो HRD ऑफिस है वहाँ से आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बैक साइड पे एक स्टैम्प लग के मिलता है, HRD का स्टैम्प। तो ये आपका HRD कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे आपके दो लेवल के वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट वन इज़ यूनिवर्सिटी लेवल एंड सेकेंड वन इज़ HRD। तो फ्रेंड्स, जब आप लोगों को आपका HRD मिल जाता है, नाउ वी प्रोसीड विद अपोस्टाइल। तो जो अपोस्टाइल होता है वो कहाँ से होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दिल्ली से। तो अब आपको क्या करना होता है, आपका जो HRD डॉक्यूमेंट है, जो आपके प्रीवियस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ओरिजिनल कॉपी पर स्टैम्प लगा था, वो HRD डॉक्यूमेंट आपको अब सबमिट करना होता है MEA में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में दिल्ली में। तो वहाँ पे आपका हार्डली 1 or 2 days के अंदर आपको अपोस्टाइल्ड होकर के डॉक्यूमेंट लग जाता है। फ्रेंड्स, अपोस्टाइल क्या होता है, जब भी हम अब्रॉड में स्टडी के लिए या बिजनेस के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हमें अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, जिसको हम बोलते हैं अपोस्टाइल। तो वहाँ पर आपका जैसा सेम HRD का स्टैम्प लगा था, ऐसा ही वहाँ पर एक स्टैम्प और लग जाता है, वो आपका होता है MEA अपोस्टाइल का स्टैम्प, और इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट MEA अपोस्टाइल्ड हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टाइप ऑफ वेरिफिकेशन, टाइप ऑफ लीगलाइजेशन, जो कि अगर आप इटली में हायर स्टडीज के लिए जाते हैं तो आपको कराने होते हैं। फ्रेंड्स, HRD के लिए आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज पे नहीं करना होता, अपोस्टाइल के लिए आपको कुछ चार्ज पे करना पड़ता है। दोनों ही प्रोसेस में आपका जो लगने वाला टाइम है, HRD में आपका लगभग 1 week to 2 weeks तक लग सकता है, लेकिन MEA अपोस्टाइल आपको within 2 days में आपको मिल जाता है। इसके बाद फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कराने होते हैं ट्रांसलेट, ट्रांसलेट किस में, इटालियन लैंग्वेज में। तो स्टूडेंट्स, ये था प्रोसेस आपके लीगलाइजेशन का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप लीगलाइजेशन के लिए प्रोसीड करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑफर लेटर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि HRD के टाइम पे आपको अपना ऑफर लेटर भी सबमिट करना पड़ता है विद ऑल योर डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन। तो अगर आपका HRD नहीं होगा, HRD के बिना आपका MEA अपोस्टाइल नहीं होगा, तो दोनों ही चीज़ों के लिए ऑफर लेटर आपके पास होना बहुत कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ अपडेट्स आपके लीगलाइजेशन प्रोसेस को लेकर के। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना ऑफर लेटर इटालियन यूनिवर्सिटी में 100% सिक्योर कराना चाहते हैं, तो आप अपनी एप्लीकेशन हमें application02@meridian.org पर फॉरवर्ड कर सकते हैं।
प्लस अगर आप हमारे से लाइव काउंसलिंग सेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट meridian.org पे लाइव काउंसलिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स आपको कॉल करके लाइव काउंसलिंग सेशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। फ्रेंड्स, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू।